हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट द्वारा जुम्मे की नमाज के दिन डॉक्टर अजीज खान द्वारा अवेयरनेस के तौर पर लोगों की सेहत को लेकर खान पान, सोशल लाइफ कैसे हो, बीमारियों को कैसे बचाया जाए, इस संदर्भ में जानकारी साझा की गई। इस तरह का ये पहला प्रयोग है जो महाराष्ट्र के नागपुर स्थित हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट के चेयरमैन प्यारे खान द्वारा किया गया है। मैं डॉक्टर अजीज खान, कडोईस नागपुर। आज यहाँ पे जुम्मे की नमाज में, जहाँ करीबन 1000 लोग नमाज पढ़ने आते हैं, प्यारे खान साहब ने एक नया सिलसिला शुरू किया। नमाज में तो रिलीजन की बात होती है, लोगों की सोशल लाइफ कैसे होना चाहिए, वो सोशली कितने अवेयर होते हैं और अपने आप को कितना बीमारियों से बचा सकते हैं, तो गैदरिंग में उसका एजुकेशन, अवेयरनेस जो मस्जिद में चालू किया, एक नई मिसाल है। मैंने आज तक ये पहली बार अपने लाइफ में मस्जिद में हेल्थ एजुकेशन के ऊपर नमाज के टाइम बोला। ये मेरे सबसे पहली बार हो रहा है ये, और इसमें हमने लोगों को हार्ट की बीमारी से कैसा बचे, हमारी लाइफस्टाइल कैसी होना चाहिए, हमने अपने आप को कैसा तंदुरुस्त रखे, जैसा कि हम रोज़ एक्सरसाइज करें 150 मिनट, मैं बताया हफ्ते में 5 दिन, यानी रोज़ के सिर्फ 30 मिनट्स अपने आप को दे, उसके बाद में हम अपना वजन को काबू में रखें, हमारी वेस्ट सरकमफेरेंस होती है ये 40 इंच मेल और 35 इंच फीमेल में रखें, हमारे इंडिया में इंडियन ओबेसिटी ज़्यादा होती है। फिर हमने एक्सरसाइज का बताया, हमने डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर, ये दो जानलेवा बीमारी होती है, साइलेंट किलर्स होते हैं, इसको चेकअप करने के बताया। मानसिक तनाव से बचने के लिए बताया। स्मोकिंग टोबैको, जो अपने महाराष्ट्र में, विदर्भ में और नागपुर में गुटखा कैपिटल बोला जाता है, उससे बचने के लिए बताया। 6 घंटा स्लीप जरूरी है, वो 7 घंटा स्लीप बताया, अच्छी स्लीप और रेगुलर चेकअप, अगर हम ये चीज़ें पालन करें तो हमें बीमारी से बच सकते हैं। इसका हमने लोगों को आज बताया, उसको बाद में सुन्नत तरीके से भी मौलाना साहब ने दिया और लोगों ने काफ़ी उसको अप्रिशिएट किया। मुझे लगता है कि ज़रूर इंशाल्लाह लोगों को इसका फ़ायदा होगा। आज हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की शाही मस्जिद के अंदर में आज हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर अजीज खान साहब ने एक कौम को खिताब फरमाते हुए ये बताया कि इस पूरे महाराष्ट्र के अंदर में ये पहली मस्जिद है। उलमाए दीन तो तकरीर करते रहते हैं, वो कौम से खिताब फरमाते रहते हैं, लेकिन इस बार कैसा है कि इस मस्जिद, शाही मस्जिद के अंदर में पहली बार कि हार्ट और बीमारियों से कैसा बचा जाए और कौम के जो नौजवान, जो तबका जो कैंसर से पीड़ित हो रहा है, जो कर रहे सिगरेट, ये सब सारी चीज़ों का जो शोषण सेवन करता है, ऐसे लोगों को सरकार की बारगाह में कैसे जन जागरूक किया जाए, इस तरीके से यहाँ पर ये सब सारी चीज़ों का आयोजन किया जा रहा है कि इसमें आने वाले लोगों की हेल्थ और नए जनरेशन को एजुकेशन, किस तरीके से तबके को लेके जाना, ये सब सारी चीज़ों को, ज़रूरत से ये सब सारी चीज़ों को अवगत कराया जा रहा है।